हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बनाएंगे, सबसे पहले आपका ब्लॉगर अंजलि चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे करेले का अचार, बहुत यमी टेस्टी और बहुत हेल्दी अचार होता है ये वाला। तो ये मैंने 1 किलो करेले लिए, अच्छे से उन्हें धो लिया, उसके बाद उन्हें सुखा लिया इन द सेंस कि पानी सूख जाए, बस छन्नी में रख दिया था, अच्छे से पंखे के नीचे डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने उसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैंने उसमें हल्का सा नमक लगाया, 1 चम्मच नमक लगाया होगा, और उसके बाद उसे मैंने रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसको निचोड़ लिया है, सारा पानी इसका निकल गया, कड़वा पानी इसका निकल जाता है, और फिर उसे मैंने पंखे के नीचे फैला दिया कम से कम 2-3 घंटे के लिए। तो ये इस तरीके का हो गया है हमें, ठीक है। अब हम इसे अचार डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और ये मैंने 250 ग्राम सरसों का तेल के कढ़ाई में गरम किया है। यहाँ पर जो है अच्छा इसे गरम करना है। यहाँ पर मैंने अच्छा गरम कर लिया था सरसों का तेल। उसके बाद मैंने अब इसमें ना सारे पीस ऐड कर देने हैं करेले के, और उसको अच्छे से हमें 5 मिनट तक ना कुक करना है। मीन्स बस थोड़ा सा ये है कि इसमें अगर कोई पानी होगा, कोई मॉइस्चर होगा, तो यहाँ पर जो है वो निकल जाएगा और वो सारा जो है उड़ जाएगा, और करेला भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा, कच्चा है इसलिए। तो यहाँ पर तो इसको हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए तेज़ आँच पर ही हम इसे जो है थोड़ा सा पकाते रहेंगे 5 मिनट के लिए, और ये अच्छे से हमारा थोड़ा सा गल भी जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि हमें करेले का जो रॉ टेक्सचर है उसको भी रखना है अपने अचार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया है, और थोड़ा सा ये जब हम इसे भूनते रहते हैं तो थोड़ी सी क्वान्टिटी बुझ जाता है, थोड़ा सा कम सा लगने लगता है, क्योंकि जो इसमें वाटर होता है वो थोड़ा जल जाता है, तो ये जो है सिकुड़ जाता है करेला। तो यहाँ अब हमने क्या करा है कि यहाँ हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। सारा हमने इसमें से ऑयल जितना हो सके निकाल लो, और उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, सारे करेले को मैंने इस तरीके से ना, जितना भी ज़्यादा ऑयल है इसमें जो भी है उसको इस तरीके से निकाल के साइड से और निकाल लिया है। अब हम यहाँ तैयार करेंगे इसका मसाला। तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून मैंने मेथी के दाने लिए हैं, मेथी के दाने हैं ये सारे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये है सफ़ेद येलो वाली सरसों, येलो सरसों के जो दाने होते हैं राई के सरसों के, वो हैं। और ये है सौंफ, मोटी वाली सौंफ जो होती है ना, जो हम अचार में यूज़ करते हैं वो है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 5 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच सरसों के दाने यूज़ करे थे। तो ये जो मोटे मोटे मसाले हैं ना सारे, इनको हमें एक बार दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा सा ग्राइंड करना है हल्का सा, इस तरीके से देखिए ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, बस मैंने यहाँ इन मसालों को रोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसे दोबारा से तेल में डालना है, ठीक है। 1/2 चम्मच यहाँ अजवाइन यूज़ कर रही हूँ, अजवाइन ऐसी रहने दीजिए, और हींग 1/2 चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये हींग हो गया। अब ये तेल हमारा थोड़ा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है लेकिन मीडियम हॉट है, और इसमें ये मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। तो अजवाइन और जो भी बाद में मैंने ऐड किया था, तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर दोबारा से नहीं चलाया था, ठीक है, तो वो सीधा वो साबुत ही रहेगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर गैस कर दी है बंद, और ये मसाले थोड़े से गर्म तेल में ही हो गए हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत हल्की सी मैंने स्लो गैस जलाई एकदम नन्ही सी। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च, 2 चम्मच में भर के लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि अचार तो देखो भाई चटपटा ही होना चाहिए, पाउडर हो तो आप उस हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सेंधा नमक यूज़ किया है, तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने डाल दिया है कि थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, सेंधा नमक डाल दिया है 2 चम्मच भर के। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर रेगुलर सॉल्ट जो होता है, 1/2 चम्मच मैंने रेगुलर सॉल्ट ऐड कर दिया है, जो हमारे नॉर्मल हम खाते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। गैस मैंने यहाँ कर दिया है बंद, ठीक है। अब इसको हल्का सा ये इस तरीके से गर्म तेल में डालने से क्या होगा, ये सब भुन भी जाएंगे, थोड़ा सा कोई नमी होगी इस मसाले में तो वो भी निकल जाएगी। अब हम ये सारे करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले के अंदर, और सारे ऐड करने के बाद इसे बहुत बढ़िया सा एक मिक्स देंगे, एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और करेले को अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि ये गरम है इसलिए मैं करछी से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि करेला भी बिल्कुल गरम है अभी,
तो जस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे छोड़ देंगे हम ठंडा होने के लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक रेसिपी देख लीजिए और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। और ये देखिए अब क्या करा है मैंने, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। इस मसाले को, इस सारे करेले को ठंडा होने देंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रख रहने देंगे ऐसे ढंक के दो तीन घंटे के लिए। और उसके बाद देखिए ये इस तरीके से ठंडा हो गया है बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पर, आप सोचोगे कि मैंने खटाई के लिए तो कुछ इसमें डाला ही नहीं है, खटाई तो मैंने ऐड ही नहीं करी, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर 4-5 चम्मच नींबू का रस निकाल लिया है नींबू में से, और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रही हूँ जब हमारे करेले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं तब। उसके बाद तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4-5 चम्मच नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर दीजिए उसको डाल के। तो अगर जैसे खटाई वगैरह से प्रॉब्लम है आपको किसी गले में या किसी वजह से, तो आप यहाँ पे नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। नहीं करना चाहते नींबू का रस तो आप खटाई डाल सकते हैं, जहाँ मसाले डाले थे ना वहीं पे आप खटाई का यूज़ कर सकते हो, 1 या 2 चम्मच खटाई आप अमचूर पाउडर डाल सकते हो। ठीक है, तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है नींबू के रस को। और उसके बाद फिर मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 चम्मच सफ़ेद विनेगर जो होता है ना, जो हम चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसे यूज़ करने से ना हमारे अचार की सेल्फ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक रुक जाता है और ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच यूज़ करा है, और इस अचार को हम ऐसे ही मिलाकर छोड़ देंगे, इसको एक डिब्बे में भर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे डिब्बे में भर सकते हैं। डिब्बा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए एकदम, कोई भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं इस सारे को मिक्स करके अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको एक अच्छे से डिब्बे में कंटेनर में भर लिया है। और उसके बाद अगर कांच का डिब्बा हो तो बहुत बढ़िया है, कांच का जार हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ फ़िलहाल मेरे पास ये प्लास्टिक का ही था तो मैं इसमें ही भर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये सारा इसके अंदर भर दूँगी, अच्छे से आप इसे स्टोर कर लीजिए। और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना लगे। तो यहाँ मैंने इस सारे अचार को अच्छे से बिल्कुल एक डिब्बे में भर लिया है, और उसके बाद मैंने एक दिन तक इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। थोड़ा सा मैंने इसे धूप में रखा, इस जार को आप धूप में रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और जल्दी भी तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो उसके बाद हमने इसे धूप में रख दिया ढक के बंद करके, हाँ। और उसके बाद अगले दिन एक दिन बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल चाहे तो आप पका के ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो, और अगर चाहे ऐसे भी डाल सकते हो, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। और देखिए इसके बाद ये जो है मैंने यह सरसों का तेल इतना भर दिया है इसके अंदर कि ये सारे करेले इसमें डिप हो गए हैं। ठीक है, तो अभी से सालों तक आप ख़राब नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बनाना ज़रूर।